सर, वो दिनेश साहब की बेटी रोमा का पता चल गया। रोमा कहाँ है, कैसी है वो? बहुत तकलीफ में है सर, पर सुबह पोस्ट ऑफिस के सामने रहती है अपने शराबी मामा जगदीश के साथ। रोमा, ए रोमा जी। जी मामा। जी मामा की बच्ची, मेरा रम का धब पड़ा था, कहाँ गया वो? मामा वो तो आपने कल रात को पी ली थी। पी ली थी, पी ली थी। बोलती है, है? मामा मैं झूठ नहीं बोल रही, कल रात को आप बहुत नशे में थे। कौन नशे में? कौन नशे में था? है? तेरा बाप नशे में था? बोल, कहाँ है बोतल, बता दे। देख मामा मुझे नहीं पता। किसको बेची गई इस जादी तूने बोतल? कौन लो मियाँ तुम? अंदर कैसे घुसाए? कैसे घुसाए? इधर बैठो बेटा, तुम्हारे मामा की आधी बोतल मैं ढूंढ देता हूँ। कैसे घुसाए तुम? अरे ऐसी बात में धक्का देते हो, मैं तुम्हें जानता नहीं। हो कौन, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? बैठे रहो। मैं ये जानता हूँ कि दिनेश वर्मा अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी छोड़ गया था उसे तुम शराब और जुए में लुटा चुके हो, और अब थोड़े से पैसे के लिए उसकी शादी तुम एक बूढ़े साहूकार से कराना चाहते हो, जो मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए कि दिनेश वर्मा मेरा दोस्त था और रोमा मेरी अपनी बेटी की तरह है। दिनेश वर्मा तुम्हारा दोस्त था? वो तो मर बुला गया, मर गया। अब काय की दोस्ती उससे मिस्टर, हैं? काय दोस्ती? और मैं इस लड़की का मामा हूं, जहां चाहूंगा ऐसे ब्याहूंगा। शराब वैसे तुम्हें कुछ ही दिनों में मार देगी, बेवकूफ क्यों तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ दो। बेटी मेरे साथ चलोगी तुम? अरे चुप क्यों है रही जाती? तू उसी के साथ जाने की सोच रही है जिसे तू जानती तक नहीं है? लेकिन तुम्हें तो जानती हूँ मामा, ये मुझे कहीं भी ले जाए इस नर्क से बुरी जगह तो नहीं हो सकती। मैं आपके साथ चलूंगी अंकल। चलो 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 चलो, तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा, लड़की नाबालिग है। अरे धीरू मल सेठ, इसके 10,000 रुपए तेरे तो 10,000 रुपए। खबरदार, अगर अब अपनी गंदी जुबान से एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुमको मार। तुम्हें 10,000 चाहिए ना? जी 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 हाँ। ये हैं 10,000। ये आप क्या कर रहे हैं? ये मुझ पर छोड़ दो, ये हैं तुम्हारे 10,000। पहले इन कागजात पर दस्तखत करो ताकि आगे तुम कोई कानून उलझन पैदा ना कर सको। मैंने जिंदगी में बड़े जलील इंसान देखे हैं जगदीश, लेकिन तुम तो इंसान ही नहीं हो। पैसे? बेटी रोमा जी, अब तुम इस जगह को अपना घर समझो, अब आराम से बैठो। अंकल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। आज तक मेरे शराबी मामा ने मुझे मेरे डैडी के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद आप जानते हो कि वो आदमी कौन था जिसने दोस्त बनकर मेरे डैडी का खून कर दिया। क्या आप उसे जानते हैं? हाँ जानता हूँ बेटी, वो जो तुम्हारे इस हाल के और तुम्हारी डैडी के मौत के जिम्मेदार हैं, मैं उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा। चलो जोगिंदर, होटल शेजान जल्दी, 8 बजे वहां तेजा आने वाला है। वो लोग अभी तक आए नहीं। 8 बजने में 2 मिनट बाकी। मैं भी आया। ओके।
हेलो हेलो तेजा साहब ही जस्ट कमिंग अभी देखता हूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जैसे भी हो तेजा को ढूंढो, उसे वापस लाओ। वहां तेजा के आदमी थे, हमारे आदमी थे, फिर भी वो इस तरह से गायब हो गया। जगे साहब, ये तो सीधी सी बात है कि तेजा कोई अपनी मर्जी से तो बाथरूम तोड़कर गायब हुआ नहीं है, उसे जबरदस्ती ले जाया गया है। और वही लोग उसे ले जा सकते हैं जो ये जानते हैं कि तेजा उन्हें ये बता सकता है कि हमारा सोना कब और कहां आ रहा है। यानी कि समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूं मैं? समझूंगा क्यों नहीं, पागल हूं क्या? लेकिन सवाल यह है कि वो लोग कौन हो सकते हैं? जो भी हो पता चल जाएगा। मैंने अपने आदमी चारों तरफ फैला रखे हैं। आज 18 तारीख है, सोना आज ही आने वाला है, लेकिन कहां और किस वक्त यह सिर्फ तेजा बता सकता है।